यार टिकटॉक और उसके साथ साथ 58 अदर चाइनीज एप्स के बैन होने का खबर तो आपको मिल ही गया होगा, और आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि टिकटॉक बैन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार ज्यादा खुशियां मत मनाओ, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जो है ना वो बहुत ज्यादा दुखी है टिकटॉक के बैन होने की वजह से। देखो टिकटॉक में आकर के वो अपना टैलेंट दिखाती थी, उसमें अपना कंटेंट जो है ना वो अपलोड करती थी, अब वो टैलेंट दिखाने का मंच, वो कंटेंट अपलोड करने का मंच उसके पास नहीं रहा, तो बहुत ज्यादा दुखी है। और जो टिकटॉक की दुखी बहनें जो ये वीडियो देख रही है ना, उनको मैं बताऊं कि देखो आज मैं आप सबको खुश कर देने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका टिकटॉक जो है ना वो आपको मिल सकता है, कब कैसे कहाँ वो मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कब कैसे कहाँ हमें मिल सकता है टिकटॉक। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 एप्लीकेशन जो कि चाइनीज थे, जिनमें से टिकटॉक, शेयर इट, डीयू रिकॉर्डर, पैरेलल स्पेस, शेयर इट, इस तरह से बहुत सारे थे, 59 थे टोटल, इन सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया। और ये कहा गया है कि देखो उन्होंने एक लेटर लिख दिया जिसमें ये कहा है कि प्ले स्टोर इंडियन वर्जन से और उसके बाद iOS स्टोर माने एप्पल स्टोर जो है इंडियन वर्जन, इनसे इन एप्लीकेशंस को रिमूव कर देना है ताकि कोई इसे डाउनलोड ना कर सके और यूज ना कर सके। आप में से बहुत सारे लोग टिकटॉकर जो है वो ये सोच रहे होंगे कि आपके पास तो पहले से मौजूद है, आपको डाउनलोड करने की क्या जरूरत। तो मैं आपको बताऊं कि देखो आप अपने मोबाइल पर भी उसे यूज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है और अभी तक तो चलना भी बंद हो चुका है क्योंकि ये बैन का दूसरा दिन लगभग स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक बात है जो शायद आपको थोड़ा सा तसल्ली दे, आपको खुश कर दे। देखो जो निखिल गांधी है, निखिल गांधी कौन अगर आप पूछेंगे तो निखिल गांधी वो है जो हेड है टिकटॉक का इंडिया में। वो निखिल गांधी ने कहा है कि देखो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने उसे मिलने का मौका दिया है और उन्हें बात रखने का मौका दिया है। वो कह रहे हैं कि देखो भाई इसका चाइना से, देखो वैसे तो एप्लीकेशन चाइनीज है लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट को हम कोई भी डाटा मुहैया नहीं कराते, हम कुछ भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करते, हम बिल्कुल सिक्योर रखते हैं डेटा को, यूजर्स के जो डेटा है। तो भाई अगर इतना सिक्योर रखते हो तो इतने सारे जो है ना आप परमिशंस लेते क्यों हो पहले से, अगर ये परमिशंस ना लेते तो शायद आपके ऊपर ये इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये उनका कहना है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखो भाई ये जो है ना इसने बहुत सारे लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका दिया है। हाँ भाई टैलेंट दिखाने का मौका दिया है और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है इंडिया में। तो इसके बंद होने के वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो अपने परिवार को पाल रहे थे लोग, उन लोग को अब अपने परिवार को पालने का मौका नहीं मिलेगा, इनकम का सोर्स उनसे छिन जाएगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के कि इस एप्लीकेशन से बैन हटा दिया जाए और बैन हटाने के बाद इसे दोबारा से प्ले स्टोर में ला दिया जाए ताकि लोग इसे यूज कर सके और इससे इनकम कर सके। और साथ साथ उन्होंने ये भी उसमें जोड़ दिया कि देखो भाई हम वैसे तो शेयर नहीं करते लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो भाई आगे से हमसे कोई भी गलती नहीं होने वाला है, आप चाहे उसके लिए जितना कुछ आप करवाना चाहते हो आप करवा लो, परमिशंस हम हटवा लेंगे वगैरह वगैरह उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या उनकी बात जो है निखिल गांधी की बात को सुनकर के टिकटॉक को प्ले स्टोर में लेकर के आती है। तो आपके पास एक उम्मीद है कि देखो भाई टिकटॉक कहीं प्ले स्टोर में दोबारा से आ जाए, तो आप उम्मीद करो यही कि दोबारा से आ जाए, भगवान को दुआ करो कि आ जाए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आईटी मिनिस्ट्री है वो एक ही बात बोलेगा निखिल गांधी को कि घंटा तेरा एप्लीकेशन में वापस नहीं लेके आने वाला हूं। तो भाई आपका एप्लीकेशन नहीं आने वाला है, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना, क्योंकि देखो आपको यूज करने के लिए बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस मिल जाएंगे लेकिन जो चाइना हमारे साथ कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, हमसे लड़ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाइना को पैसा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे चाइनीज चीजों को यूज करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो
एक मोबाइल जब आप खरीद कर लेकर के आते हो ना, तो उसके लिए आप ऑलरेडी पे करके उसको लेकर के आते हो, आप बार बार उसके लिए पैसे नहीं देते हो चाइना को, ऑलरेडी वो आप पेमेंट कर चुके हो, जो आप कर चुके हो तो वापस नहीं लेके आ सकते। अगर आप तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, फेंक दोगे, तो आपका जो पैसा गया है चाइना के पास, वो पैसा आपके पास वापस नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हो ना, इसके लिए वो डेली इनकम करते हैं, डेली इनकम करते हैं। आप नेट यूज करते हो उसमें इनकम करते हैं, एडवर्टाइजर्स के से इनकम करते हैं, तो जो है ना इससे ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह से बहुत ज्यादा इनकम होता है। तो इन इनकम सोर्स को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी इंडियन है, आप लोग कोई और एप्लीकेशन यूज करो यार, वही टिकटॉक यूज करना कोई जरूरत नहीं है। तो इतना ही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो देखो भाई लाइक कर देना, इस पर कमेंट करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। और अगर चैनल से आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ बेल को बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।